subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड जो है तो 51,874 पे बंद हुआ है लगभग 300 रुपए के लॉस के साथ. और यहाँ अगर हम मंथली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ गोल्ड जो है तो इस महीने के लिए दिखा रहा है लगभग 1% के गेन. लास्ट मंथ हमने लगभग 2% के गेन देखे थे. और यहाँ जो है तो थोड़ा सा जो है तो कंटिन्यूशन पैटर्न दिख रहा है मंथली चार्ट पे. यहाँ जो है तो गोल्ड प्राइजेस ड्यू टू वार न्यूज़ और ये जो रिस्क ऑफ ट्रेड है उसके वजह से गोल्ड प्राइजेस जो है तो प्रॉप अप हो सकती है. और यहाँ ऐसा लग रहा है कि गोल्ड ने जो है तो अराउंड 50,000-49,000 के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद ऊपर के लेवल जो है तो फिर से टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं. तो करंटली मंथली चार्ट पे बुलिश लग रहा है गोल्ड. और यहाँ जो है तो 53,000 या फिर उसके ऊपर के भी लेवल जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं एज़ पर मंथली चार्ट. नीचे जो है तो मेजर सपोर्ट जोन जो दिख रहे हैं मंथली चार्ट पे वो 49,000 के अराउंड एक सपोर्ट है और उसके बाद में जो है तो 44,000 के अराउंड आपको सपोर्ट जोन दिख रहे हैं. अभी देखते हैं डेली चार्ट सॉरी वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो इस हफ्ते गोल्ड जो है तो लगभग 1% गेन के साथ बंद हुआ है. लास्ट तीन हफ्ते में हमने गोल्ड प्राइजेस में जो है तो अच्छी खासी रैली देखी है. यहाँ जो है तो हमने 49,700 का लेवल टेस्ट किया और वहाँ से जो है तो लगभग 52,500 का हाई भी हमने लगाया. तो अच्छा खासा 2,000-2,500 पॉइंट की रैली हमने पिछले लेवल से देखी है. और ये जो रैली है ये आने वाले हफ्तों में कंटिन्यू हो सकती है. जब तक गोल्ड 51,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वीकली बेसिस पे आपको जो है तो लॉन्ग रहना है. आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 52,800 और उसके बाद में अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको फिर से जो है तो गोल्ड 55,000 के लेवल की तरफ ट्रेंड करते हुए दिख सकता है. तो यहाँ गोल्ड ऑन वीकली चार्ट बुलिश लग रहा है मुझे. 51,000 के ऊपर जो है तो बाय ऑन दिस स्ट्रैटेजी रहेगी. टारगेट रहेगा 52,800 और उसके बाद में जो है तो वो अच्छी होता है तो 55,000 के लेवल की तरफ गोल्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो है हमने पिवट के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद जो R1 का टारगेट है वो अचीव कर लिया. अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट है वो 52,750 का है और उसके बाद में 53,750 के टारगेट है. तो यहाँ बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रहेगी. यहाँ नीचे जो मेजर सपोर्ट जोन है तो वो है 51,000 के अराउंड. और यहाँ डेली चार्ट पे गोल्ड जो है तो ओवर बॉट लग रहा है. तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. 51,000 के अराउंड आता है तो आपको जो है तो गोल्ड में बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए. यहाँ मैंने जैसे कहा था कि 200 डेज का जो एवरेज वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है. तो हमने वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक और रैली भी देखी है. यहाँ जो है तो 50,000 के लेवल से हमने 2,500 पॉइंट की रैली देखी है गोल्ड में. और ऊपर के अच्छे खासे जिन्होंने भी लॉन्ग किया होगा उस लेवल पे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है. अभी करंटली डेली चार्ट पे जो है तो ये थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है. तो यहाँ करेक्शन और कंसोलिडेशन की ज़्यादा संभावना है. तो यहाँ मेरा जो व्यू रहेगा तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है आपको. गोल्ड को निचले लेवल पे 51,000 के लेवल पे आता है तो ही हम जो है तो बाइंग का सोचेंगे. ऊपर जो है तो हमारे जो टारगेट रहेंगे वो 52,750 और उसके बाद में 53,750 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मगर जो सेफ जोन रहेगा एंट्री का वो रहेगा 51,000 के अराउंड. करंट लेवल पे मेरी कोई भी ट्रेड करने की जो है तो सुझाव नहीं रहेगा. यहाँ से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है. इसका मतलब आपको शॉर्ट जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. यहाँ जो है सपोर्ट का वेट करना है. सपोर्ट के अराउंड जब ये बेस बनाएगा और जब वो अप मूव देना स्टार्ट करेगा तभी आपको लॉन्ग करना है. ऊपर जो है तो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 52,750 और उसके बाद में 53,750 के टारगेट आप गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हो. यहाँ थोड़ा सा वोलेटाइल नेचर रह सकता है ड्यू टू न्यूज़ फ्लो और वॉर फ्रंट के वजह से. यहाँ जो है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो गोल्ड पे लॉन्ग साइड पे ही मुझे लगता है कि ट्रेड बनेंगे. और जिस तरह से इसने 200 डेज के एवरेज के अराउंड सपोर्ट लिए हैं तो ये एक अच्छी खासी रैली बन सकती है इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म. तो यहाँ लॉन्ग रहना है मगर सपोर्ट के अराउंड बाय करना है. वीकली चार्ट पे जो है
तो क्लियर कट 52,800 का टारगेट लग रहा है, वो ब्रिज होता है तो 55,000 के लेवल हमें मीडियम टू लॉन्गर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मंथली चार्ट पे एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है, तो लॉन्गर टर्म में आपको जो है तो फिर से 55,000 के लेवल जो है तो गोल्ड दिखा सकता है। यहाँ जो है तो नीचे जो सपोर्ट जोन है ऑन मंथली चार्ट वो 51,000 का है, तो उसके अराउंड ही आपको शॉर्ट टर्म में बेस ढूंढना है और वहाँ से लॉन्ग पोजिशन क्रिएट करना है। अगर ये 51,000 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो आपको जो है तो डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 51,000 जो है तो एक लक्ष्मण रेखा रहेगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर के लिए, उसके नीचे जो है तो बेयरिशनेस जो है तो हावी हो जाएगी मार्केट पे और आपको जो है तो गोल्ड के भाव निचले तरफ गिरते हुए देखेंगे अगर ये 51,000 के नीचे जाता है। तो हमने डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा और मंथली चार्ट का भी एनालिसिस किया, तो एक अच्छा खासा बुलिश एनवायरमेंट दिख रहा है ड्यू टू रिस्क ऑफ ट्रेड और ये वॉर सिचुएशन की वजह से गोल्ड में जो है तो बाइंग वापस आ रही है और आई होप सो कि हमें जो है तो फिर से 55,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो जैसे मैंने कहा मेरे लॉन्गर टर्म टारगेट 80-85,000 के गोल्ड पे आने वाले 3 से 5 सालों के लिए, तो उसकी तरफ धीरे धीरे गोल्ड बढ़ते हुए भी हमें दिख सकता है। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कमोडिटी कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट और फॉलो तो आप मेरी पेड सर्विस ले सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।